स्वागत है हमारे चैनल विश्वकर्मा मोटर गैराज पे। आज हमारे पास आई है जी नोवा क्रेस्टा। इसमें प्रॉब्लम है पिकअप की, तो गाड़ी में जो हम एक्सीलेटर देते हैं तो पिकअप नहीं लेती। आपको बताते हैं राइड लेके भी कैसे पिकअप लेती है और क्या करती है। गाड़ी की राइड लेकर बताते हैं आपको। गाड़ी को हमने स्टार्ट कर लिया और आप देख सकते हो जो मीटर में कोई भी लैड नहीं दे रही गाड़ी, और जब हम आरपीएम देते हैं तो आरपीएम भी सही ले रही है गाड़ी। और जब हम राइड लेंगे तो कस्टमर का कहना है कि जब हम गाड़ी को चलाते हो तो 120 के आसपास में रहती है और गाड़ी भागती नहीं है। और आपको राइड लेकर दिखाते हैं सभी मूड में, इको और पावर में भी क्या करती है, कैसी पिकअप है और क्या फॉल्ट निकालते हैं गाड़ी में, आपको बताते हैं हम वीडियो के थ्रू। वीडियो के माध्यम नहीं, आपको बताते हैं कि कौन सा फॉल्ट गाड़ी में निकलता है। बहुत सारे कमेंट आए थे भाइयों के भी हिंदी में वीडियो बनाए, तो इसलिए आज हमने हिंदी में वीडियो बनाई है और आपको दिखाते हैं कि कैसे गाड़ी में फॉल्ट निकालते हैं और क्या करते हैं। आज मैंने ड्राई मोड में डाल लिया और गाड़ी को जब हम एक्सीलेटर देते हैं तो बिल्कुल दब जाती है गाड़ी, एकदम से बैठ जाती है, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही। और ये देख सकते हो आप, इको मोड में है ये और हम करेंगे पावर मोड में। इसका पावर मोड लगा दिया है हमने तो फिर भी ये गाड़ी एकदम बैठ जाती है और भागती नहीं है। एक्सीलेटर मैंने फुल दबा रखा है और गाड़ी बिल्कुल दब गई है और कोई लैड नहीं दे रही, मीटर में कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रही है और गाड़ी बिल्कुल पिकअप तो बिल्कुल लस्सी है गाड़ी की। आप हम वर्कशॉप पर लेके जाते हैं और बताते हैं इसमें क्या फॉल्ट निकलता है। कस्टमर ने इस गाड़ी की सर्विस भी करा ली, फिर भी नहीं गाड़ी की ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई और इसलिए ये गाड़ी हमारे पास आई है अभी। तो हम आपको दिखाते हैं भी इसमें कौन सा फॉल्ट निकलता है। और गाड़ी तो बिल्कुल ही नहीं उठ रही, गाड़ी का पिकअप बिल्कुल लस्सी है और आपको बताते हैं भी हम क्या फॉल्ट निकालते हैं गाड़ी में और कैसे करते हैं इसे बिल्कुल ओके रिपोर्ट, और लेकर चलते हैं वर्कशॉप पे। पता नहीं कैसे भाई ये गाड़ी को चला रहा है, ये तो क्रॉस करने के लिए हमें पूरा जोर लगाना पड़ता है, ये गाड़ी को क्रॉस ही नहीं कर रही। और मीटर में जो लाइट है बिल्कुल कोई लाइट नहीं दे रही, आप देख सकते हो। हमने पावर मोड में लगा ली है गाड़ी और इको और पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता गाड़ी को, गाड़ी बिल्कुल दब रही है, गाड़ी की पिकअप बिल्कुल नहीं है। और भाई साहब ने सर्विस भी करा डाली फिर भी नहीं मसला हल हुआ, और स्कैन में भी नहीं कुछ आता, जब गाड़ी को स्कैन कराते तभी भी नहीं कुछ आता, और EGR वाल भी भाई ने क्लीन करा लिया तो गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं हल हुई। और हम अपने तरीके से करेंगे गाड़ी का काम और आपको बताते हैं भी हम अपने तरीके से कैसे इसका फॉल्ट निकालते हैं, और कस्टमर का खर्चा भी नहीं होने देंगे, गाड़ी भी बिल्कुल ओके कर देंगे और गाड़ी बन जाएगी बिल्कुल ओके रिपोर्ट। हाँ जी, जो गाड़ी की पिकअप है हमने राइड ली है, जो गाड़ी की पिकअप तो बिल्कुल ख़त्म है, गाड़ी एक्सीलेटर देने पे भी नहीं उठ रही, पिकअप ड्रॉप कर रही है। और अब हम इसे करेंगे स्कैन और स्कैन में देखते हैं कौन सा फॉल्ट आता है, और आपको स्कैन लगा कर बताते हैं कि ये कौन सा फॉल्ट दे रही है, कौन सा फॉल्ट दिखा रही है, और फिर हम करेंगे अपने तरीके से गाड़ी को ओके। हाँ जी, हमने स्कैनर लगा लिया है गाड़ी को और हम करेंगे टवाटा में स्कैन, देखते हैं कौन सा फॉल्ट बता रही है गाड़ी। पिकअप तो बिल्कुल नहीं है गाड़ी की, पिकअप तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है गाड़ी का, गाड़ी बिल्कुल पिकअप ड्रॉप कर रही है और लाइट भी नहीं कोई दे रही, चुकाने की बात तो ये है। पावर ट्रेन में करेंगे स्कैन, देखते हैं अभी तो नो फॉल्ट है गाड़ी में, अभी कोई फॉल्ट नहीं आया। स्टार्टिंग भी गाड़ी की बिल्कुल ओके है, आरपीएम भी धीरे से ले रही है गाड़ी, एकदम से आरपीएम नहीं पकड़ रही, और स्कैन करते हैं तो नो फॉल्ट है, अभी कोई फॉल्ट नहीं बता रही। तो हम इसे देखते हैं अपने तरीके से भी कौन सा फॉल्ट निकलता है और बताते हैं आपको। बढ़ती हुई गर्मी का टेम्परेचर, छोटे वीर आरपीएम देना गाड़ी को, टर्बो का बूस्ट, एक मिनट
जो हॉर्स पाइप है वो टर्बो बूस्ट नहीं बना रहा, तो हॉर्स पाइप अंदर को अंदर की तरफ चले जाते हैं, इसलिए जो इसका इसकी जो एयर की प्रॉब्लम है गाड़ी को, जो एयर सही नहीं मिल रही। मारना जरा रेस देना भैया, टर्बो का जो बूस्ट है बिल्कुल नहीं बन रहा, तो हम करेंगे इसका एयर फिल्टर क्या, एयर फिल्टर देखते हैं निकाल कर। इसका एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर भी काफी ठीक पड़ा है, अभी बंद नहीं हुआ एयर फिल्टर, तो मतलब मिट्टी नहीं है इतनी। एयर फिल्टर तो ठीक है भाई, ने सर्विस अभी कराई हुई है, और इसकी जो एयर फिल्टर असेंबली है वो खोल कर देखते हैं। हाँ जी, जो एयर फिल्टर असेंबली होती है इसके यहाँ पे भी फिल्टर होता है, वो भी हम चेक करेंगे, क्योंकि हॉर्स पाइप अंदर की तरफ को जा रहे हैं, जब हम रेस देते हैं तो अंदर की तरफ खींच रहा है टर्बो को हॉर्स पाइप, और बूस्ट टर्बो का नहीं बन रहा, तो इसकी एयर असेंबली देखा तो यहाँ पर तो बिल्कुल साफ है, और इसे खोल के देखते हैं, अंदर के फिल्टर को चेक करते हैं। जो फेंडर में एक फिल्टर होता है वहाँ से ये गाड़ी हवा लेती है, वो भी कई बार ब्लॉक हो जाता है। लो जी, जो आप फॉल्ट देख सकते हो इसमें, इसमें फॉल्ट है ये वाला, ये फॉल्ट है इसमें, जो करामात है ये चूहे की करामात है, जो इसका इसको जो एयर है वो मिल नहीं रही। ये देखो, ये देखो, बिल्कुल ब्लॉक हुआ पड़ा था इसका एयर फिल्टर, तो बिल्कुल ब्लॉक हुआ था, ये देख सकते हो, ये चूहे के कारनामे हैं सब, और चूहे ने इसे ब्लॉक कर दिया। अंदर से तो ठीक है भैया, अंदर से तो बिल्कुल ओके, यही प्रॉब्लम थी गाड़ी में, ये देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये इसमें इसकी जो एयर है वो ब्लॉक हो चुकी थी, और गाड़ी का इंजन दब रहा था और पिकअप कर रही थी ड्रॉप। फिट और लगाकर देखते हैं क्या करती है। हाँ जी, एयर फिल्टर असेंबली है जो हमने पूरी तरह से कर लिया क्लीन, और फिल्टर है जो हम वही डाल देंगे, क्योंकि फिल्टर कस्टमर के जो पैसे पहले काफ़ी लग चुके थे, क्योंकि इजी एयर वाल्व भी भाई ने क्लीन करा लिया था और सर्विस भी करा ली थी, इसलिए जो फॉल्ट था हमने वही निकालना है और फिल्टर यही डाल देंगे भाई का। क्या फॉल्ट था, वो सारी करामात थी चूहे की, चूहा जो जो बॉर्नेट के नीचे होता है, कंबल होता है गाड़ी में लगा हुआ आवाज़ को साइलेंट करने के लिए, वो निकाल कर एयर फिल्टर में डाल दिया। हाँ जी, हमने एयर फिल्टर को कर दिया है फिट, और अब लगाएंगे गाड़ी की सिल्फ। छोटे वीर, लगाना जरा सिल्फ। लो जी, गाड़ी हो गई जी स्टार्ट, और आरपीएम देना। लो जी, गाड़ी का जो टर्बो का बूस्ट है पूरी तरह से हो गया है, बिल्कुल ओके, और जो हॉर्स पाइप है वो भी बिल्कुल ओके है। देना रेस, टर्बो का बूस्ट बिल्कुल ओके, और अब हम लेंगे राइड और बताएंगे आपको भी कैसी बनी है पिकअप गाड़ी की। अब लेंगे हम राइड गाड़ी की और बताते हैं क्या कर रही है गाड़ी, कैसी पिकअप ले रही है। हमने इको मोड में डाल ली है गाड़ी को, डाल दिया इको मोड में, और गाड़ी हो गई बिल्कुल ओके, एकदम से छाल मार कर उठ रही है गाड़ी, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ये भाई, ये कस्टमर ने काफी खर्चा कर दिया ये फॉल्ट निकालने में, और हमने एक रुपए का पार्ट भी नहीं डाला गाड़ी में, और गाड़ी हो गई बिल्कुल ओके। अब हम डालेंगे इसे पावर मोड में, और पावर में तो बन गई आग, बिल्कुल आग, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल जो आरपीएम मीटर है और स्पीडोमीटर है, ये वैसे ही आरपीएम मीटर काम कर रहा है, वैसे ही स्पीडोमीटर काम कर रहा है, दोनों की जो गति है बिल्कुल एक प्रकार की हो चुकी है। आप देख सकते हो स्पीडोमीटर आगे जा रहा है, आरपीएम मीटर पीछे रह रहा है, और गाड़ी पिकअप में बिल्कुल हो गई ओके। और जो बड़ी बात है, हमने कस्टमर का खर्चा भी नहीं होने दिया, पार्ट भी नहीं कुछ भी डाला इसमें, तो फॉल्ट आपके सामने है और गाड़ी भी आपके सामने है, बिल्कुल हो गई ओके। हाँ जी, गाड़ी होगी बिल्कुल ओके। हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब,
लाइक शेयर और कमेंट, एक मिनट रुकना, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले।